on subscribe and then click on the bell button for more updates. तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां पर इस हिंसा का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। और ये तस्वीरें देखिए, रेल रोक दी गई, किस तरह से प्लेटफॉर्म की ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये बिल्कुल रेलवे लाइन के बगल का इलाका है। ये पूरा बाइकों पर ये देखिए किस तरह से खून बह रहा है। जो शख्स अभी मोटरसाइकिल पर गए और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करना पड़ा लोगों को रोकने के लिए, लेकिन जो फोर्स वहां पर तैनात थी उन तक जो हिंसा करने वाले लोग थे उन्होंने पत्थर फेंके। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना की। हालांकि हिंसा रुकी हुई है, लेकिन दर्द का समंदर जो है वो अभी भी बह रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने जान गंवाई उन लोगों के परिवार वालों का बुरा हाल है। ग्वालियर में तीन, भिंड में तीन, मुरैना में एक शख्स की मौत हुई है। ये हम आपको बता रहे हैं कि हिंसा में किस तरह से मध्य प्रदेश जला है और व्यापक असर मध्य प्रदेश में देखने को मिला। ग्वालियर के 5 थाना क्षेत्र और डबरा के 2 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक चूंकि हालात बेकाबू हो गए थे और इस बेकाबू हालात को काबू में करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा है। जानकारी ये है कि ग्वालियर में 2 दिन तक कॉलेज और कोचिंग सेंटर जो है वो एहतियातन बंद रहेंगे। ग्वालियर में पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई है, सेना भी वहां पर अलर्ट पर रखी गई है। सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है कि हालात अगर और खराब होते हैं तो फिर उनको भी जाना पड़ेगा, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। चूंकि हालात बद से बदतर हो गए थे ग्वालियर में, तस्वीरें भी एबीपी न्यूज के जरिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के मुरैना की तस्वीरें हैं। देश भर में दलितों ने प्रदर्शन के नाम पर जमकर उपद्रव मचाया। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मुरैना रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने जो रेलवे ट्रैक है उसको नुकसान पहुंचाया। करीब 1 किलोमीटर तक का जो ये रेलवे ट्रैक है इसको उखाड़ कर फेंक दिया था। ये जो पिन होती है आप देख सकते हैं, यहाँ से पिनों को उखाड़ दिया और उसके बाद जो रेलवे ट्रैक था उसको यहाँ से हटा दिया। करीब 1 किलोमीटर का ये लंबा रेलवे ट्रैक है जिसको तोड़ फोड़ दिया था। अब फिलहाल जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं स्थिति को कंट्रोल में आने के बाद, और जो रेलवे ट्रैक है इसको ठीक किया जा रहा है। जो रेल यातायात है पूरी तरीके से बाधित हो गया। आपको बता दें ये जो रूट है ये दिल्ली से मुंबई का रूट है। आपको बता दें ये जो रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ का हिस्सा अगर मैं अपने कैमरा मैन से कहूँ दिखाए तो यहाँ पर ये उत्तमपुरा है इस तरफ, और उसके साथ में सिंगर बस्ती है, और वहाँ आगे की तरफ लालन चौक का जो इलाका है ये वो इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में दलित रहते हैं। और जब ये दलित अपने सुबह प्रदर्शन करने के लिए घरों से निकले तो सीधा यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर आ गए और उसके बाद ट्रेन को रोक दिया और जो रेलवे ट्रैक है उसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और पुलिस का कहना है कि जो यहाँ पर उपद्रवी और पुलिस के बीच में गोली चली थी उसमें एक शख्स की मौत हुई है। तो आप वरुण जैन की रिपोर्ट देख रहे थे। एक और रिपोर्ट वरुण की आपको दिखाते हैं जिसमें वो बयान कर रहे हैं कि बंद के बाद किस तरह का असर और किस तरह के निशान दिखे। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मुरैना की सिंगल बस्ती में मौजूद है। आपको बता दें ये वही इलाका है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड था। प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की थी, यहाँ पर उपद्रव मचाया था। आप देख सकते हैं जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर रात को मार्च कर रहे है ताकि जो सिचुएशन है कुछ यूं ही कंट्रोल में बनी रहे। फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है और कुछ इसी तरीके से जो पुलिस बल है वो यहाँ पर लगातार पूरे इलाके में मार्च कर रहा है, और जो लोग अपने घरों से बाहर है उनको घर के अंदर जाने की हिदायत दी जा रही है। इस सिंगल बस्ती के साथ में ही रेलवे ट्रैक लगता है, उस रेलवे ट्रैक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। करीब 1 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक था उसको उखाड़ फेंक दिया गया था और जो ये पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक है डिस्टर्ब हो गया था। अप एंड डाउन दोनों तरफ से दिल्ली मुंबई जैसा व्यस्त ये रेलवे ट्रैक था जिसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया गया है। फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ पर नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। यही वजह है जो पुलिस बल और जो पैरामिलिट्री फोर्स की जो जवान है वो लगातार इलाके में कुछ यूं ही गश्त कर रहा है। आप जो शरारती तत्व थे उन्होंने नुकसान पर पहुंचाया, और रात में हालांकि जो हालात थे वो काबू में कर लिए गए थे, लेकिन अभी भी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती मध्य प्रदेश के कई इलाकों में है। आरजी संतोष कुमार ने कहा है कि हालात फिलहाल काबू में है। उसमें किस किस तरह का नुकसान हुआ है और वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर जो सिचुएशन है अभी भी टेंस रहे हैं? मुरैना टाउन है,
और मुरैना से लगे हुए हमारे कुछ कस्बे हैं, जैसे जौरा आता है, सबलगढ़ आता है, बामोर आता है, जहाँ पे प्रदर्शन हुए हैं। कई जगहों पे गली गली में, जहाँ पे मोहल्ले हैं, जहाँ पे आबादी है, वहाँ लोग गलियों में निकले हैं और काफ़ी मशक्क़त उसमें करनी पड़ी पुलिस को, उसको ओवरऑल नियंत्रित करने में। पास में लगा हुआ जो भिंड जिला है, वहाँ भी लगभग प्रत्येक टाउन में इस तरह के प्रदर्शन